स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति में अध्याय 9 ऊंचाई दूरी, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आज का होने वाला है। छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके पहले भी हम त्रिकोणमिति के लगभग 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप 10th मैथ्स प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये नया प्रश्न बैंक तैयार किया गया है उसके पूरे के पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें त्रिकोणमिति के लगभग 7 प्रश्न, उन्हीं का कलेक्शन हमने किया है। वो बड़े आसान तरीका से हम आज आपको ये प्रश्न बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर दें। देखते हैं अध्याय 9 ऊंचाई दूरी से संबंधित पहला क्वेश्चन है। हाँ, उसके पहले आपको एक चीज और समझना आवश्यक है, उसको हम आपको बता देते हैं। और वो समझना क्या आवश्यक है, यहाँ जो ऊंचाई दूरी होती है इसमें एक तो आपको समझना होता है उन्नयन कोण, या इसी को हम क्या कहते हैं, उन्नत कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। इसमें केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रेक्षक, मतलब हम कहें कि कोई भी पर्सन है, यदि वो नीचे खड़े होके ऊपर की ओर किसी वस्तु को देख रहा होता है तो ये कहलाती है दृष्टि रेखा, ये कहलाती है दृष्टि रेखा, और ये कहलाती है क्षैतिज रेखा, आंख से निकलने वाली दृष्टि रेखा और जमीन के समांतर क्षैतिज रेखा, इनके मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और इसी में यदि कोई प्रेक्षक, मान के चलो ये नीचे कोई टंकी रखी है, यदि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होता है तो चूंकि उसकी आंख या प्रेक्षक जो रहेगा अपना वो यहां रहेगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो ये दृष्टि रेखा पर क्षैतिज रेखा ऐसी जाएगी। ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। मतलब ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। और ये दोनों ही कोण कैसे होते हैं, दोनों ही कोण न्यून कोण होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है दोनों कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनते हैं। अब होता क्या है अवनमन कोण में, ये अवनमन की कंडीशन हमने आपको बताई, होता क्या है कि यहां क्षैतिज रेखा जमीन के समांतर वाली कहते हैं, तो ये आंख से जमीन के समांतर इस प्रकार से निकलती है, थीटा यहां बनता है, पर ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है तो एकांतर त्रिकोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं समांतर है और तिरछी रेखा काटे तो इस प्रकार से ये थीटा हम त्रिभुज के अंदर यहां प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अवनमन उन्नयन कोण आप शायद समझ गए होंगे, इसके बाद में जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे। इसके बाद में एक फार्मूला आपको याद करना होता है और वो होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ये फार्मूला आपको याद करना है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर आपको तीन मान याद करना होते हैं ऊंचाई दूरी में, आप इनको मेमोराइज करते ही जाएं। एक तो आपको याद करना होता है टेन तीस अंश, टेन तीस अंश का मान होता है 1/3, ये ऑप्शन में भी विकल्प में सही जुड़े में आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा आपको इसमें याद करना होता है टेन 45 अंश, इसका मान 1 होता है। और तीसरा आपको यहां याद करना होता है टेन 60 अंश, इसका मान होता है √3। तो स्टूडेंट्स, आपको टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 30 बराबर 1/√3, टेन 45 बराबर 1 और टेन 60 बराबर √3, ये चार सूत्र आपको याद करना और कुछ ध्यान रखना है उन्नयन कोण में। नीचे से ऊपर देखें तो उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे देखें तो अवनमन कोण बनता है। जनरली अवनमन कोण में हमें ध्यान रखना होता है कि रेखा जमीन के समांतर ऊपर हमें खींचना होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये विकल्प में भी आपसे जब कभी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आप समझना, इसमें मान के चलो ये ए बी हमने मीनार बना दी और छाया हमेशा जमीन के समांतर होती है, और किसी भी व्यक्ति बांस या मीनार की जो लंबाई होती है और छाया के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो यहां बन गया 90 अंश का कोण और यहां हमने ये मिला दिया, इसको नाम दे दिया हमने सी। तो कह रहे हैं यदि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, हमने क्या मान लिया है, हमने माना है
ए भी माना मीनार है, ऐसा आप लिखते जाना, माना ए भी मीनार है। और फिर हमने क्या माना है, माना कि जो उसकी छाया है वो कितनी है, बीसी है। और कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या ज्ञात कीजिए, तो यहां हमें एक कोण मान लेना है थीटा, ठीक है। और हमने क्या माना है, हमने माना है कि कोण सी बराबर कितना है थीटा, और इसी थीटा का मान हमें निकालना है। कह रहा है कि अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण क्या होगा। तो यदि वो कह रहे हैं कि छाया ऊंचाई के बराबर, एक चीज याद रखो उन्नयन कोण 45 अंश निकलता है, कभी भी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है, तो 45 कह देना बराबर शब्द लिखा जाए, तो चाहे बांस की छाया हो, चाहे मीनार की, चाहे पहाड़ की, चाहे चोटी की, कुछ भी, ठीक है। मतलब जितना ए बी है उतने क्या है उतने ही है बीसी, ठीक है। ए बी और बीसी बराबर, तो आप कुछ भी मान सकते, माना यदि हम ए बी एच मान लें, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि हम ए बी एच मान लें तो बी सी भी क्या होगा, यहां पर स्टूडेंट्स एच होगा। अब हमें देखो ये थीटा निकालना है, हमें लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार काय में होता है, हमने आपको अभी बताया था, देखो आप लंब और आधार काय में होता है स्टूडेंट्स, लंब और आधार दिया होता है, लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए जाते हैं, लंब और आधार में संबंध कौन सी निष्पत्ति बताती है, टेन थीटा बताता है, ठीक है। तो इसमें हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर, तो जब हम लिख रहे होंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में क्या लिख रहे होंगे हम, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो न्यून कोण के सामने को जाए लंब कहलाती है, ए बी इसका लंब होगा और बी सी आधार होगा। अब हम जब इसे हल कर रहे होंगे तो टेन थीटा बराबर ए बी का मान कितना है, अपन ने एच माना है, और बी सी भी कितना माना है, एच माना है। आप चाहो तो ए बी आई लिखे रहो, कट जाना ही है, एस से एच क्या होगा कट गए यहां, तो यहां हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहां हमें मिला टेन थीटा बराबर एक। यदि टेन थीटा बराबर एक मिला तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था, हमने ये बताया था यदि टेन थीटा बराबर एक मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर इस एक की जगह हम टेन पैंतालीस लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, एक का मान होता है टेन पैंतालीस के बराबर। तो अब यहां जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो टेन बटे में जाएगा, या फिर यही कैंसिल आउट कर दो, तो यहां थीटा बराबर कितना निकला, पैंतालीस अंश। तो जो थीटा बराबर पैंतालीस अंश निकला है, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा। मतलब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि छाया और ऊंचाई बराबर है, तो आपको क्या कह देना है, उसका मान कितना होता है, पैंतालीस अंश निकल के आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कह रहे हैं यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई का वर्गमूल तीन गुना हो, ठीक है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, मान के चलो ये व्यक्ति है, व्यक्ति की ऊंचाई ए बी, हमेशा लंबवत हमें करना है जो भी है ये सब, ये ए बी मान के चलो व्यक्ति है और उसकी छाया ये है, तो यहां कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का, और हमें उन्नयन कोण बनाना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर देख रहा होगा कोई व्यक्ति, और यहां भी उन्नयन कोण क्या है, तो माना उन्नयन कोण कितना है थीटा, आपको लिख लेना, हम नहीं लिख रहे, माना उन्नयन कोण थीटा। स्टूडेंट्स कुछ नहीं बने तो आप ये समकोण त्रिभुज तो बना के आ ही जाना, टेन थीटा लिख देना, टेन पैंतालीस लिख देना, कुछ भी लिख देना, पर आप कुछ ना कुछ तो करके आना, यहां अंक आपको मिल जाते हैं। कह रहे हैं धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई का वर्गमूल तीन गुना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये गुना आधा वगैरह ये किसके पास लिखे, तो ये लिखे ऊंचाई के पास। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे माना व्यक्ति की ऊंचाई एच मान लो, हाइट कहते तो अपन एच मान ले रहे, माना व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है एच है, ठीक है। ये ए बी हमने क्या मान लिया, ए बी स्टूडेंट्स कितना मान लिया हमने, एच मान लिया। यदि व्यक्ति की ऊंचाई एच है तो छाया क्या होगी, तो गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है, गुणा, वर्गमूल तीन गुनी, मतलब जो छाया होगी ये इस एच का वर्गमूल तीन में हम क्या करेंगे, गुणा, यहां गुणा है तो छाया कितनी हो गई, छाया हो गई एच वर्गमूल तीन, तो हम यहां सी नाम दे दे रहे, और बी सी छाया कहलाती, हमेशा छाया आधार कहलाती, आप तो लिख लो छाया आधार कहलाती है, तो छाया कितनी हो गई एच वर्गमूल तीन हो गया। आ रहा समझ में, धूप में खड़े व्यक्ति की ऊंचाई जो है, व्यक्ति की छाया जो है उसकी ऊंचाई की वर्गमूल तीन गुनी है। मतलब अब हमें देखो इसमें लंबे भी मिल गया, ए बी लंब है और बी सी क्या है आधार है, फिर देखो लंब और आधार में संबंध क्या बताता है, टेन थीटा, और एक की जोर आप यहां लिख लेना, हमें थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर प्रश्न बाधक चिन्ह, इतना ही कर दोगे आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहां से आपको चार अंक का प्रश्न आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, जब हम हाँ तो क्या करेंगे हम, अब अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें लंब और आधार दो भुजाएं दी हैं, कर्ण से कोई मतलब नहीं, तो हम ऐसी निष्पत्ति लेंगे जो लंब और आधार में संबंध बताती हो, तो वो है टेन थीटा, तो हम यहां लिख देंगे टेन थीटा बराबर
लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। जब हम यहां मान रख रहे होंगे थीटा का मान हमें निकालना ही है, तो ए बी कितना दिया है स्टूडेंट्स, ए बी दिया है एच और बी सी कितना दिया है, ये दिया है एच वर्गमूल तीन। चूंकि यहां गुणा है वो बटे में है, तो एस से एच यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे, एस से एच क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब हम यहां टेन थीटा का मान निकाल रहे होंगे तो यहां एक एक बार कटे हैं, तो यहां मिल रहा होगा वन बाई रूट थ्री। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि वन बाई रूट थ्री किसका मान होता है, तो हम यहां लिखेंगे टेन थीटा बराबर वन बाई रूट थ्री, एक बटे वर्गमूल तीन की जगह हम यहां लिखेंगे टेन तीस। आप चाहो तो यहां कोष्टक लगा के लिख सकते हो कि चूंकि टेन तीस का मान कितना होता है एक बटे वर्गमूल तीन, या लिख देना एक बटे वर्गमूल तीन बराबर टेन तीस। जब आप यहां से थीटा का मान निकालोगे तो टेन बटे में आ जाएंगे, यहां तो कट जाएंगे, यही कैंसिल आउट कर दिया करो, टेन से टेन कट गए और यहां हमें थीटा का मान कितना मिल गया, तीस अंश मिल गया। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा इसका जो उन्नयन कोण निकल के आ रहा होगा ये कितना बन रहा होगा, यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि छाया ऊंचाई का वर्गमूल तीन गुना है तो थीटा कितना निकल के आ रहा होगा, तीस अंश। ये सब प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको अब आसानी से कर सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि किसी बिंदु से, क्या कह रहे हैं, यदि किसी बिंदु से, यदि किसी बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मतलब आप समझना कि एक तो मीनार है, मान के चलो ये क्या हो गई, मीनार हो गई, ये क्या हो गई, मीनार हो गई। अब कह रहे हैं मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है किसी बिंदु से, इस तरफ भी बना सकते हैं हम, यहां बना सकते हैं, यहां से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आधार हमें मिलाना पड़ेगा, मतलब कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और यहां खड़े होकर मीनार के शीर्ष को देख रहा है, मतलब कहां देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है कोई व्यक्ति यहां खड़े होकर, वो मीनार का शीर्ष, तो ये हम नाम दे देते हैं ए बी। हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज तो बनना ही है, ठीक है। माना ए बी क्या है, तो अपन लिख सकते हैं माना ए बी क्या है, मीनार है। और क्या कह रहे हैं, मीनार की ऊंचाई निकालो, तो माना मीनार की ऊंचाई एच है या एक्स, कुछ भी मान सकते हैं, हाइट कहते तो अपन एच मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे थे, हाँ, इन समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऊंचाई दूरी में हमेशा आपको एक न्यून कोण दिया रहता है, और एक न्यून कोण और एक भुजा दी रहती है तभी ये निष्पत्तियां लगाई जाती है, नहीं तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं होती तो हम पाइथागोरस से तीसरी फाइंड कर सकते थे। खैर, तो क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी मीनार, मतलब इस बिंदु से, सी बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, दूरी मतलब क्या होता है, हमेशा दूरी शब्द लिखा मिल जाए, आधार पर लिख देना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यदि किसी बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, मतलब इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित जो मीनार है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45। पहली बात तो यह है, यदि 45 लिखा मिल जाए तो दूसरा, यदि एक कोण वाला प्रश्न है, अभी हम एक एक कोण वाले बता रहे हैं, आगे कुछ एडवांस टाइप के बताएंगे जिनमें दो कोण होंगे, वो तो कुछ कठिन होते हैं, ये तो सरल है। 45 लिखा मिल जाए तो आंसर जो दूसरी चीज लिखी होती वही होता है आंसर, तो कितना होगा इसका 100 होगा। खैर ठीक है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें फिर देखो, मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है, एच का मान हमें निकालना है, लंबाई आपको दी है, ये सॉरी लंबाई आपको, लंब आपको निकालना और आधार दिया है, तो फिर वही लंब और आधार में संबंध क्या बताता है, तो लंब और आधार में संबंध क्या बताता है आपका टेन बताता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां हम लिख लेंगे वही, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आप समकोण त्रिभुज का वर्णन यहां लिख दिया करे कहीं भी, यहां जगह कम है हम नहीं लिख रहे, यहां लिख दिया करे आपके, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है, कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 45 अंश, बी सी बराबर 100, ये सब आप लिख दिया करे, इतने पे अंक मिलते हैं, वो कटते भी हैं यदि आप नहीं लिखोगे, तो हम डायरेक्ट में आपको हल करना सिखा रहे हैं। संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा, तो थीटा कितना दिया है 45, अब हम थीटा नहीं निकालेंगे, कोण ज्ञात नहीं करना, थीटा तो हमें दिया ही 45। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बीसी, तो हमें लिखेंगे टेन होता है लंब बटे आधार, माने ए बी बटे बीसी हम लिख देंगे, टेन 45 एक होता है, ए बी कितना दिया, ए बी दिया हमें कितना एच, बीसी कितना दिया 100, इसके बटे कुछ नहीं एक कर दो। स्टूडेंट्स जब दो संख्याएं बटे में लिखी होती हैं, यदि दो संख्याएं बटे के फॉर्मेट में लिखी हैं, वो बीच में बराबर लगा तो त्रिकोण होता है, अज्ञात राशि का पहले कर लो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, एच का एक में करोगे तो एच आ रहा होगा और 100 का एक में करोगे तो कितना आ रहा होगा 100, तो एच बराबर कितना आ गया 100 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। मतलब लास्ट में आप कोष्टक लगा के लिख सकते हो आंसर बराबर 100, और ये माप कायम दी थी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी होता है इसमें वही हम लिख देते हैं, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आएगी 100 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं
भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखो आप, पाद बिंदु मतलब निचला सिरा, कुछ नहीं, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से, मान के चलो भूमि पर एक बिंदु ये मान लिया, और उन्नयन कोण मतलब कोई व्यक्ति यहां नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, समकोण हमें बनाने, तो यहां तो हम मिलाएंगे, ये 90 अंश का कोण बन गया। कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मतलब कहां से, सी से, तो यहां क्या नाम दे सकते हैं हम अपने हिसाब से, नाम कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं, ए बी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मतलब ए बी क्या मान रहे हैं हम स्टूडेंट्स, ए बी क्या मान रहे हैं हम, मीनार मान रहे, पाद बिंदु ये बी होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं मीनार के पाद बिंदु से माने बी से 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे वो बिंदु है सी, वो बिंदु है सी 30 मीटर की दूरी पर, जहां से कोण बन रहा है, और कोण उन्नयन है, माने नीचे से ऊपर देख रहा है, ये लिखा देखो उन्नयन, ठीक है। तो यहां कोण कितना लिख दोगे आप, कितने अंश का दे रखा उन्हें, 30 अंश का, तो यहां कोण कितना दे रखो, 30 लिख दोगे, ठीक है। आधार बीसी हमें कितना मिल गया, आधार बीसी मिल गया हमें कितना, 30। और क्या निकालना है, कभी भी स्टूडेंट्स ऊंचाई के ही प्रश्न आपको कोर्स में है, हमेशा आप चित्र में एच यहां मान लिया करें, ये दिया नहीं रहता, और जो दूसरी भुजाती रहती है हमेशा वो आधार ही दिया रहता है, क्योंकि खम्भे के तार वाले क्वेश्चन आपको है नहीं, उसमें लगता था साइन, मतलब यहां हमेशा आपको मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करने के लिए आएगी, तो ऊंचाई मतलब लंब ये आपको ज्ञात करना है, एच मान लिया करे, और दूसरी जो भुजाती है उसे क्या मान लिया करे, आधार मान लिया करे, और यहां जो कोण है वो लिख दिया करे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, बाकी आप सब लिख सकते हो, यहां कैसा लिखोगे, माना वही माना ए बी मीनार है, ये सब ये लिखा जाता है स्टूडेंट्स, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, ऐसे ये सब हमें लिख देना, जिसकी ऊंचाई कितनी है h है, कोण भी ये सब लिख दिया जाता है, कोण भी 90 अंश है, ठीक है, कोण सी कितना है 30 अंश है, ठीक। और क्या दे रखा उनने, उनने बी सी दे रखा, बी सी कितना है, कह रहे हैं बी सी जो है वो 30 काय में है, मीटर में है, तो 30 मीटर। अब आप फिर देखो वही, फिर वैसे ही हमें करना, क्या करना कि लंब आपको दिया है, क्या दिया है, लंब आपको दिया है और आधार, ए सॉरी आधार आपको दिया है और लंब निकालना है, तो लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, टेन, ये देखो अभी बताया था हमने, टेन थीटा बराबर क्या होता, टेन थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे आधार, तो ठीक है, सब में टेन इन टेन लगना, बिल्कुल नहीं घबराओ। तो यहां हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, और थीटा थीटा चाहो तो आप रख दो, या नहीं रख लिखते हैं तो 30 यही लिख लेते, पर ठीक है, टेन 30 अंश बराबर ए बी का मान कितना है एच, बी सी कितना है 30, तो एच बटे 30। अब आपको यह पता होना चाहिए कि टेन 30 कितना होता है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था टेन 30 होता है 1/3 बराबर एच बटे 30, दो संख्याएं बटे में है, बीच में बराबर लगा, क्या करोगे इसके बाद से यहां देखना, क्या करोगे, त्रिक गुणा करोगे, अज्ञात राशि का पहले एच का करणी तीन में त्रिक गुणा करोगे, स्टेप त्रिक गुणा ही सहल होता है, एच का करणी तीन में गुणा करोगे तो एच वर्गमूल 3 आ जाएगा बराबर 30 एकम, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, एच करणी 3 बराबर 30 एकम 30। जब हम यहां से एच का मान निकाल रहा हूं तो ये आ रहा होगा 30/3 या 30/3, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना जिनके ये पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलते हैं, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11, यदि ये वर्गमूल के अंदर लिखे तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये कभी नीचे नहीं होना चाहिए हर में, तो हम क्या कर लेते हैं, ये कहलाता है हर का परिमेयकरण, क्या कहलाता है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो अपरिमेय संख्या नीचे आ रही है इसी का ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, समझ रहे, बिल्कुल, क्योंकि वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 तो कट गया, 1 का गुणा किया मतलब कुछ नहीं किया, तो ऐसे तो एच बराबर, अब लेकिन ये आपको काटना नहीं है ना, फिर वही आ जाएगा, गुणा कैसे होता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 30 का करणी 3 में जब आप गुणा कर रहे होगे तो यहां आ जाएगा 30 करणी 3 गुणा यहां है, ऊपर टे करणी 3 का करणी 3 में गुणा कर रहे होगे तो यहां आ रहा होगा 3, ध्यान रखना करणी 3 का करणी 3 में गुणा 3 होता है, 3/1/2 3/1/2 आधार समान गुणा में घात जोड़ोगे 3/1, या ऐसे नहीं करो तो करणी 3 का करणी 3 में करणी घात समान है तो करणी घातों का गुणा हो जाता, करणी 3 का करणी 3 में गुणा करणी 9, करणी 9 का मान कितना या वर्गमूल 9 का मान कितना 3 आ जाएगा यहां, ठीक। अब ये गुणा है तो आप काट सकते हैं, कैसे कट जाएंगे, 3 से ये 30 कट गए कितने बार 10 बार, मतलब यहां हमें कितना मिल गया 10 करणी 3, और ये हमारा आंसर होगा, या करणी 3 का मान 1.732 होता है उसका 10 में गुणा कर दो, नहीं करना आपकी पुस्तक में तो इतना ही आंसर दिया 10 करणी 3 तक करो, तो
यहां लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, आंसर बराबर कितना मिलेगा हमें, 10 करणी 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। अपने कितने प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। हम और देख रहे हैं एक कोण वाले अब बचे हैं क्या, हाँ एक कोण वाला एक और बचा है स्टूडेंट्स, पर दो कोण वाले हम अलग से वीडियो में बना देंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा टाइम का हो रहा है। एक कोण वाला ये छठवां हम आपको और बता दे रहे हैं, देख लेते हैं इसे क्या कह रहे हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पास से अनुमान कोण 45 अंश है। स्टूडेंट्स ये क्षमा करें आप, ये दो कोण वाला है, ये दो कोण वाला है छठवां, ये आठवां भी दो कोण वाला है और ये सातवां भी दो कोण वाला है। तो आज का वीडियो हम विराम करते हैं, अगले पार्ट में हम बहुत जल्दी आपको सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर देंगे। अभी हमने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एक एक कोण वाले करवाए हैं हमने, ठीक है। एक कोण वाला भी आता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखो एक प्रश्न आता है एक कोण वाला। तो ये पहला करवा दिया हमने एक कोण वाला, ये दूसरा करवा दिया हमने एक कोण वाला, और तीसरा करवा दिया हमने एक कोण वाला, और ये चौथा करवा दिया एक कोण वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में तो अपने दोस्तों के साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये पार्ट वन था, पार्ट टू हमारा होगा जिसमें हम दो कोणों वाले ऊंचाई दूरी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।